अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोफीज वर्ल्ड में हम आपको वेलकम कहते हैं। इट इज़ मुंतहा हेयर, शी इज़न्ट न्यू ऑन माय चैनल, शी ऑफन कम्स। तो आज का हमारा ये है टॉपिक कि हम बात करें, मुंतहा एक्चुअली हम इसके लिए स्कूल विजिट करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल। अच्छा जी, क्यों विजिट करने जा रहे हैं? क्योंकि शी वॉज स्टडिंग एट पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रही थी, G6 के ही एरिया में, और बहुत ही बुरी हालत थी क्योंकि सरकारी टीचर्स के खिलाफ या सरकारी स्कूल के जो मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात हम आवाज़ नहीं उठा सकते, और जो बच्चे वहाँ मजबूर हैं इकनॉमिकली या जिनके पेरेंट्स को गवर्नमेंट के स्कूलों में बहुत ज़्यादा यकीन है पढ़ने पे, तो वो बच्चे जो हैं उनकी कंडीशन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो साइकोलॉजिकली किस वॉर से गुजर रहे हैं टीचर्स की वजह से। टीचर्स का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स किड्स वो बहुत ही पथेटिक है और वेरी रिजिड, वेरी रूड। तो और पेशेंस नहीं है टीचर्स में, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं, मेरा ख्याल है उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए कि वो आर दे able to teach, are they capable to teach or take this responsibility to teach young minds, क्योंकि बच्चों का जहन जो है, छोटे बच्चों का जहन, उसमें जब आप इतनी छोटी एज में इनकलकेट कर देते हैं बुरा रवैया, ठीक है, और impatience और घबराहट हो बच्चे को, anxiety हो, ठीक है, school आने से डर लगे, तो फिर वो बच्चा बड़ा होकर एक हेल्दी सिटीजन या एक हेल्दी मेंबर ऑफ सोसाइटी कैसे बन सकता है? तो इस पे हम दोबारा बात करेंगे और जल्दी मैं एक न्यू व्लॉग के साथ आपके पास आऊँगी। और एक चैनल है जिसका नाम है मुंतहाज व्लॉग्स, उस पे यू आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर चिल्ड्रंस कमेंट्स, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं और झूठ नहीं बोलते, व्हाट डू दे tell you about their teachers' attitude and behavior during the class with kids, कि वो कितना threatening है कि अगर मैं आपको मार रही हूँ, अगर आपने घर जाके बताया तो मैं आपको और मारूँगी। मतलब ये बहुत ही बुरा जुमला है जो टीचर की तरफ से बच्चे को मिल रही है स्टेटमेंट। और चलें, see you people again, अभी तो हम एक स्कूल को विजिट कर रहे हैं।